नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जो है हमारा होगा हाउ टू मेक सेंट्रीफ्यूगल फैन। सेंट्रीफ्यूगल आप अगर नहीं समझते तो बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। तो ये हवा एक डायरेक्शन सक करता है और जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को निकाल देती है चीजों को, ये भी इसी तरह हवा को बाहर को निकाल देता है। अगर नीचे सक कर रहा है तो साइड को निकाल देगा। और नए व्यूवर्स से चाहूंगा इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। गाइस आप देख सकते हैं, ये हमने पेंट का जो ढक्कन होता है पेंट बॉक्स का, उसका ढक्कन निकाल के उस पे हम सर्कल मार्क्स कर रहे हैं। ये चार सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कट आउट होंगे और इनकी मदद से हम सेंट्रीफ्यूगल फैन बनाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फैन जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है, तो एक डायरेक्शन से वो हवा सक करेगा, दूसरे डायरेक्शन में वो हवा निकालेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। ये हम कटर की मदद से इन दोनों सर्कल्स, देखो हमने सर्कल्स निकाल लिया, और जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही कीजिएगा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके। ये देखिए सर्कल्स हमने कट कर लिए हैं और सैंड पेपर से इनको घिस लीजिए ताकि जो हम इसमें सुपर ग्लू लगाएं तो वो अच्छे से चिपक जाए, अच्छे से अडहेयर करे और कभी ना निकले फिर। और इस तरह से ये इनको प्लेन भी कर लेगा। ये देखिए ये जो छेद हैं ये हवा सक करने के लिए ही हैं, और ये प्लेट पीछे वाली रहेगी जहां पे फैन के ब्लेड्स लगेंगे। मोटर को परपेंडिकुलर एंगल में रखने के लिए फैन के लिए, इसीलिए हम ये एक और प्लेट लगा रहे हैं। अब समझ जाएंगे क्यों, थोड़ा टाइम दीजिएगा सुपर ग्लू को, उसके बाद वो अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये मोटर को स्ट्रेट रखने के लिए हमने पीछे वाली प्लेट पे वो बना लिया था, छोटी प्लेट लगा ली थी। और अब आप देखिए, अब हम फैन ब्लेड्स के लिए मार्किंग्स कर रहे हैं ताकि इसी डायरेक्शन में हम फैन पे ब्लेड्स लगा पाए। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमने इस तरह काट लिया है, और जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको इसी तरह फैन ब्लेड को इस एंगल पे लगाना है। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा हवा सक करेगा। और ये फिर से सुपर ग्लू से हम, ये देखिए हमने फिर से फैन ब्लेड लगा लिया, और ऐसे ही सारे फैन ब्लेड्स हम लगाएंगे। इस वाले फैन ब्लेड को मैंने थोड़ा हल्के से एंगल में कट किया है, ये देखिए। ये फैन ब्लेड लग गए सारे। अब हम इस पे अपर प्लेट लगा के, ये देखिए हमने अपर प्लेट लगा ली है, इसी छेद से हवा सक करेगा और साइड में जहां फैन ब्लेड है वहीं से ये हवा को निकालेगा। ये दो मैंने अपने पर्पस के लिए बनाए हैं। आज का वीडियो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फैन दिखाने के लिए है। ये देखिए मोटर पे हमने इस तरह लगा ली है ये प्लेट, और ये क्यों लगाई है आगे देखिएगा। ये जो हमारे वॉश बेसिन होते हैं, सिंक होते हैं, उनके नीचे जो पाइप लगता है वाला पाइप है, इसको मैंने इस तरह काट लिया है। पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं, इस फैन को मैं इस तरह लगाऊंगा और ये पाइप के डायरेक्शन से हवा सक करेगा, और जिधर मैंने कटआउट लिया है उस तरफ से ये हवा को बाहर निकालेगा। तो आपने हमारा वीडियो देखा कैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल फैन बनाया। तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे हम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।